महिलाओं को स्त्राव होता है सेक्स के समय, उसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी मतलब रिसर्चेस चालू है और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है ये टॉपिक के ऊपर। स्पेशली ऐसा एक है कि वजाइनल लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा वजाइनल एक स्त्राव होता है, जब एक स्त्री एक्साइट होती है तो वजाइनल लुब्रिकेशन उससे होता है। आप मतलब वो स्त्री की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और कितने ज़्यादा समय तक एक्साइटेड है, उसके ऊपर वो जो थोड़ा सा गिल्लापन वहाँ आता है तो एक वो वजाइनल लुब्रिकेशन है, वो एक अलग हो जाता है। मेनोपॉज जब होता है मतलब उसकी महावारी बंद हो जाती है तो वो लुब्रिकेशन कम होता है, इसलिए फिर उस समय सेक्स करना कठिन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मेनोपॉज के समय मतलब मासिक स्त्राव जब बंद हो जाता है तो उस समय लुब्रिकेंट्स का वापर करना चाहिए। मूड भी ठीक नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई बीमारी है, तभी वो वजाइनल लुब्रिकेशन जो है, वजाइनल स्त्राव, वो निकलता नहीं है। तो ये है पहला पार्ट। अब दूसरा जो है जिसको स्क्विरटिंग बोलते हैं या फीमेल इजैकुलेशन बोलते हैं, अब ये दोनों में रिसर्चर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते दोनों एक है, कुछ लोग बोलते दोनों अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा दोनों में फ़र्क है। एक है स्क्विरटिंग। स्क्विरटिंग ये क्या होता है कि ये आता है यूरेथ्रा से, मगर इसमें ज़्यादा मात्रा यूरिन की रहती है और कम मात्रा जो स्किनिस ग्लैंड है वहाँ अंदर, स्किनिस ग्लैंड जैसे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड है वैसे स्किनिस ग्लैंड है, तो स्किनिस ग्लैंड का स्त्राव उसमें थोड़ा सा रहता है और वो 3 से 5 ml तक वो निकलता है, 3 से 5 ml तक वो स्त्राव होता है और उसको बोलते हैं स्क्विरटिंग। और जब वो ऑर्गेजम पे आती है मतलब चरम सीमा पे आती है तो वहाँ उस समय स्क्विरटिंग होता है और वो फ्लूइड बाहर निकलता है और उस समय समझ सकते हैं हम कि नहीं उसकी उसको ऑर्गेजम हुआ, उसको समाधान हुआ, उसको शांति हो गई और वो सेक्स के चरम सुख पर पहुँची थी। तो ये हो गया स्क्विरटिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्विरटिंग अलग है और फीमेल इजैकुलेशन अलग है। तो फीमेल इजैकुलेशन है, इसमें वाइटिश फ्लूइड रहता है, इसमें ज़्यादा स्किनिस ग्लैंड का ज़्यादा स्त्राव रहता है, उसमें यूरिन का नहीं रहता है पार्ट, और वह भी जब फीमेल एक अति चरम सीमा पे पहुँचती है एक्साइटमेंट पे, तो वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में हाईएस्ट लेवल पे जब है तब वो फीमेल इजैकुलेट होता है। अब दोनों तीनों का भी हमने यदि केमिकल एनालिसिस किया तो तीनों में अलग अलग कंटेंट्स है। पहला मैंने बताया कि वजाइनल लुब्रिकेशन, दूसरा बताया स्क्विरटिंग, तीसरा बताया फीमेल इजैकुलेशन। तो ये तीनों भी अलग अलग है मतलब कंटेंट वाइज अलग अलग है। ये जो स्किनिस ग्लैंड है ये यूरेथ्रा जो है मतलब पेशाब की जो थैली रहती है औरत में और वहाँ से नली निकलती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और बाहर यूरेथ्रा ओपनिंग रहता है। तो ये जो है यूरेथ्रा उसके अराउंड ये स्किनिस ग्लैंड रहता है और वजाइना से मतलब योनि से अंदर से पालपेट किया तो वो एंटीरियर साइड में मतलब सामने के पोर्शन में अंदर से वो स्किनिस ग्लैंड पालपेट हो सकती है, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। ये जो स्किनिस ग्लैंड है ये अलेक्जेंडर स्किनी इन्होंने ये इसका रिसर्च किया, इसको उसको ढूंढा, उस बताया कि वो वहाँ रहती है और उसका सिक्रीशन जो है स्किनिस ग्लैंड का वो फीमेल धातु है, स्त्री का धातु जो है वो है, ऐसा उन्होंने कहा और उसमें रिसर्चेस अभी भी चालू है। इन शॉर्ट क्या है कि वजाइनल लुब्रिकेशन जरूरी है जिससे योनि में लिंग का प्रवेश होना आसान हो जाता है, चरम सीमा पे जब जाती है तो स्क्विरटिंग होता है और फीमेल इजैकुलेशन होता है, और उसमें ये मालूम पड़ता है कि वो स्त्री को वो महिला को बहुत शांति मिली, समाधान मिला, चरम सुख मिला और उसका सेक्स अच्छा हुआ। तो तीनों भी यदि हम देखते हैं तो तीनों में केमिकल कंटेंट अलग अलग है, और ऐसा इसका मतलब नहीं है कि वो स्क्विरटिंग नहीं हुआ या फीमेल इजैकुलेशन नहीं हुआ इसका मतलब वो समाधान नहीं हुई, ऐसा नहीं है। ये नहीं होते हुए भी औरत समाधान हो सकती है, उसको शांति मिल सकती है, उसको एक्साइटमेंट आ सकता है और वो चरम सीमा पे पहुंच सकती है और वहाँ से रिलैक्स हो सकती है। फीमेल का समाधान होना ये आवश्यक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष जो है वो इजैकुलेट कर लेता है, उसका इजैकुलेशन उसका पतन हो गया तो बाद में वो लिंग ढीला पड़ जाता है, वो बाहर निकाल लेता है, सो जाता है। फीमेल को स्त्री को एक्साइट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए पहले फोर प्ले करना जरूरी है। फोर प्ले करो, खेलो बहुत ज़्यादा तक,
अच्छा लुब्रिकेशन वजाना का होना चाहिए, बाद में अंदर डालना चाहिए, और वो यदि करेंगे तो स्त्री को भी होगा पुरुष को भी होगा और एक साथ होने के चांसेस ज़्यादा है। सवाल ये आ गया कि दोनों को एक साथ होना चाहिए क्या ऑर्गेज्म, दोनों को एक साथ इजैकुलेशन होना चाहिए क्या? हुआ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुआ तो पहले पुरुष का हुआ तो प्रॉब्लमेटिक है, पहले स्त्री का होना जरूरी है, वो चरम सीमा पर पहुँचना जरूरी है, क्योंकि वो चरम सीमा पर बाद में पहुँचने का कोई चांस नहीं है मेल का एक बार होने के बाद में। तो पुरुष का ये कर्तव्य है कि भाई स्त्री को वो चरम सीमा पर पहुँचाना, उसका पहले होने देना और बाद में पुरुष ने करना। और उसके लिए समझो ऐसा होता है कि नहीं नहीं मेरा जल्दी गिर जाता है, तो फिर उसके लिए दवाइयाँ हैं, उसके लिए स्टॉप स्टार्ट क्विज टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करता है तो फीमेल को पहले हो जाएंगे और बाद में पुरुष को होगा, और फिर दोनों भी खुश और समाधानी रहेंगे। ये भी आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।